वीरेंद्र सिंह आपने बहुत गलती करी है, दरवाजे का हाथ तोड़ दिया आपने, आपने हाथ तोड़ दिया दरवाजे। अस्सलाम वालेकुम मेरे चैनल वाले, मेरे भाई, मेरी बहनें, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है, जैसा कि आपने हमेशा इंडियन पुलिस जो है उनको किसी ना किसी बेकसूर के ऊपर जुल्म करते हुए देखा, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते देखा, बिला वजह बिला किसी इशू के लोगों को तंग करते देखा, किसी न किसी बात पे उनके ऊपर जुल्म लगा के, इल्जाम लगा के उनके ऊपर तशद्दुद करते हुए देखा। तो आज की एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि शायद आज भी कहीं पे कुछ था, कुछ भी मतलब आवाम के लिए था, या उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ था, या एवरीथिंग कुछ भी किया हुआ था। अभी पूरी तरह मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन वीडियो मेरे दोस्त ने मुझे सेंड किया है जिसमें पुलिस वाले आपस में ही एक दूसरे को बहसबाजी कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब रास्ते को एक लगा रहा है, एक बंद कर रहा है और दूसरा उसको हटा रहा है, मतलब इसी हाथापाई में। फिर उसके बाद एक दो फौजी भी थे जिनको ऑर्डर दे रहे थे कि आप लगाओ, लेकिन बीच में दूसरे पुलिस वाले आए, उन्होंने उसको हटाने की कोशिश की और हटा भी दिया। इसमें मेन चीज और मेन इशू ये बनता है, बात करने की ये बनती है कि आपको इसमें देखने में क्या मिलेगा, इसमें सोचने के क्या मिलेगा कि अब जो कुछ अवाम है, जो पुलिस वाले हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, जो अवाम को तंग नहीं करना चाहते, जो किसी को बिला वजह किसी मकसद के उनको तंग नहीं करना चाहते, तो उनको ऑर्डर मिलते हैं ऊपर से, जाहिर है ऑर्डर देने वाले कौन है और जो बंद करने वाले हैं वो किसके बिल्ले थे, कुत्ते के बच्चे, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो तो सामने जितने भी RSS और BGP के लोग हैं वही ये सब करने में लगे हुए हैं, चाहे वो पुलिस वाला है या पुलिस वालों के साथ निकाब में आप देख सकते हैं आप ये भगवा कलर का कुछ ना कुछ उन्होंने किया होता है और वो तंग करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो देखें फिर आखिर में बाय बाय करेंगे, फिर इसके बाद मुझे इस वीडियो का जरूर बताइएगा कि किस चीज की है, क्या चीज है, फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देखें। और सुनो वीरेंद्र सिंह आपने बहुत गलती करी है, दरवाजे का हाथ तोड़ दिया आपने, आपने हाथ तोड़ दिया दरवाजे का, जबरदस्ती गुजरा क्या मैं तुम्हारा क्या गुजरा क्या? अभी तो तू आया था उसे निकालने, तब तो तू ये कह रहा था कि निकल जाने दो, अब तू यहाँ पे क्या करने आया तू? नहीं तू अभी तू क्या दिखा रहा था, तू क्या दिखा रहा था कभी इसको जाने दो और ये करने दो, अब तू यहाँ क्या करने चला आया? चलिए अभी देख रहा हूँ, रुक जा। जी मेरे भाई वीडियो आपने देखा है और इसका मुझे फीडबैक जरूर दिखाइएगा, बताइएगा कि ऐसा क्या वजह था इस एरिया में, इस इलाके में, जो भी मेरा दोस्त भाई था उस जरूर इस चीज का मुझे बताइए कि शायद इसका मैं एक और वीडियो बनाऊं, एक और चीज बताऊं, लोगों तक आवाज पहुंचाना जरूरी होता है और आप लोगों की वजह ही से ही आवाज जो है वो दूसरे लोगों तक जाती है। थैंक यू सो मच मेरे सारे भाइयों को, सारी बहनों को दिल से अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता उनका बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।